सावन भादो पानी रहै छै ते बाद बैसाख जेठ पानी न रहै छै ते कहां से कहां तक नदी जाता है मनी लोहरखा होते हुए वहां से आया है नेपाल से डायरेक्ट अच्छा ये जो नदी है इधर कहां मिलता है और इधर कहां मिलता है ये तो कहीं नहीं मिला है नेपाल से आया है अच्छा इधर कहां से इधर एक कनौजर में मिल गया है तो ये जो है सो इसका उराही जरूरी है उराही हुआ है कभी नो ऐसे ही रहता है ऐसे ही रहता है साल में पानी उनी नहीं आता है साल में कभी ये आता है वहाँ तो उधर से तो मुजाम हो गया तो उधर से आना बंद हो गया है तो बागमती वाला जो है ना पहले इधर से पानी आता था हाँ, पहले इधर कहाँ से हत्था खनवा माने पश्चिम से पानी आता है भैंसा लोटन जो है ना नेपाल में अभी जो नदी बगल में बागमती नदी है उसमें ये कॉन्टेक्ट है अच्छा उसमें से पानी इसमें आता है ये जो पुल बना हुआ है तो कौन से नदी पर बना हुआ है पहले हम जो पुरना लोग के सुन रहे हैं इस नदी का नाम पहले बागमती था ठीक है आ चालू था और माने अभी जो है नदी मतलब जो मरेन हो गया है तो जो मरेन हो गया है तो इसका नाम सियारी पड़ गया है सुन रहे हैं पुरना लोग से अच्छा आ वो बागमती था हो गया है पहले वो सियारी था पहले ये बागमती था यही सुन रहे हैं ये बागमती से जुड़ा हुआ है यहाँ कॉन्टेक्ट मतलब लगभग 1.5-2 किलोमीटर होगा सर आगे जा करके 2 किलोमीटर तो कहाँ जाके मिलता है कहाँ पर कनौजर पुल है ना हाँ। वहाँ तक जैसे कि नदी का मुंह वैसे मिल रहा है लेकिन बीच में सोर मतलब ना सोरी फोड़ के बीच में भी मिल गया है इधर और तो साल के कुछ महीने इसमें पानी रहते हैं यहाँ साल के कुछ महीने रहते हैं तो इसका उराही होना चाहिए ताकि आप लोगों को खेत खलिहान में फायदा होगा उराही हो जाने के बाद अच्छा ही होगा उराही होना चाहिए तो जो स्थानीय नेता हैं उनसे कभी इस बात का रिक्वेस्ट नहीं किया आप लोग स्थानीय नेता से क्या करेंगे सुनते ही नहीं क्या रिक्वेस्ट करें वो तो आते हैं अपना जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वादा करके चले जाते हैं और फिर खत्म हो गया इलेक्शन खत्म हो गया फिर सो जाते हैं तो इससे तो सिंचाई का सुविधा भी लोगों को मिल पाता ना अगर उराही हो जाए तो ये कौन ये कौन सा जगह हुआ तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि बागमती की उपधारा में हत्था पुल पर हम खड़े हैं और बागमती की ये जो उपधारा है जो आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं इसमें कभी जो है सो काफी करंट हुआ करता था चालू नदी माना जाता है तब यहाँ पर पुल निर्माण जो है सो कराया गया था लेकिन हाल के दिनों में यह मरेन होता चला गया डेड रिवर हो गई है और जो इसको फिर से उराही कराने की ज़रूरत लोगों को महसूस हो रही है लोगों का बताना है कि इस नदी की अगर उराही करा दी जाए तो फिर से यह जीवित हो सकता है और लोगों को सिंचाई समेत तमाम तरह की सुविधाएं जो है मिल सकती हैं और इस बात का जो है सो दरख्वास्त स्थानीय जो विधायक सांसद कई बार उनसे किया गया चुनाव के वक्त में लोग आते रहे हैं और अपना वादा करके जाते रहे हैं लेकिन अब तक इस पर काम नहीं होने की वजह से लोगों में नाराजगी है और परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। मवेशी को सर धोने के लिए मैं बहुत सुविधा था जी तब अभी देख रहे हैं जो सब भर गया है पानी नहीं है तो कल पर धोता है जिसको मोटर धोता है चपाकल धोता है मजबूरी में क्या करे अब माल तो 2 घंटा पानी बैठता था अब तो माने 10 मिनट लोग धोता है फिर वैसा ही बैठता है तमाम तरह की परेशानी है और नदी जो है सो डेड हो गया है जिसके वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और माल मवेशी को नहलाना भी मुश्किल हो रहा है और लोग चापा कलों के सहारे भी माल मवेशी को पालने पर और नहलाने पर विवश हैं और ऐसे में परेशानी बढ़ती जा रही है लोगों का कहना है कि इस नदी की उराही अविलंब होनी चाहिए। दीपक कुमार तिवारी, मुजफ्फरपुर बिहार।